नैनीताल पर टूटा भारी बारिश का कहर, मॉल रोड पर बहते दरिया जैसे हालात, बहाव में बचकर निकलने की कोशिश करता दिखा एक जोड़ा। नैनीताल में 40 घंटे मूसलाधार बारिश के बाद बढ़ा झील का स्तर, बाजार में रफ्तार से बहते दरिया में डूब गए तमाम वाहन, तेज बहाव में पलट गए तमाम दो पहिया वाहन। नैनीताल के रामनगर में कोसी नदी का जलस्तर खतरे के पार, नजदीकी इलाका खाली कराने को प्रशासन ने कहा। लामबगड़ में उफनते नाले में फंसे यात्रियों से भरी गाड़ी जेसीबी की मदद से निकाली गई। ऋषिकेश में गंगा का दिखा रौद्र रूप, शिव की प्रतिमा का स्पर्श करते हुए बह रही है गंगा। गंगा के उफान से ऋषिकेश में तमाम घाट जलमग्न, सावधानी वश तैनात की गई जल पुलिस। सोनप्रयाग में जंगल चट्टी के पास फंसे यात्रियों को किया गया रेस्क्यू, एसडीआरएफ और पुलिस ने सुरक्षित गौरीकुंड पहुंचाया। मूसलाधार बारिश के बीच एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने जंगल चट्टी में फंसे 22 श्रद्धालुओं को निकाला। बांग्लादेश में नहीं थम रहे हिंदुओं पर हमले, उपद्रवियों ने रंगपुर के पीरगंज में 66 घर फूंके। बांग्लादेश के पीरगंज इलाके में दंगाइयों ने हिंदुओं के घरों में पहले की लूटपाट, कपड़ा, चावल, गाय, बकरियों पर भी हाथ साफ। कई गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे उपद्रवी, पुलिस ने कहा पाकिस्तानी छापे मारो जैसे थे दंगाई। स्थानीय निवासियों का दावा, कहा उपद्रवियों ने पहले मारा पीटा फिर घर में लगा दी आग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर बड़ी सियासत, कोलकाता में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। लखनऊ में रिंग रोड पर खड़ी बस में अचानक लगी आग, दमकल की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में बोरिंग के दौरान पानी की जगह निकली आग की लपटे, बोरिंग मशीन जलकर खाक। लखनऊ में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 50,000 का इनामी बदमाश ढेर। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दूध से भरा ट्रक पलटा, गांव वालों ने मचाई लूट। सूरत में एक पैकेजिंग यूनिट में लगी आग, दो मजदूरों की गई जान, 15 लोग घायल। इसराइल में गूंजा शाहरुख की फिल्म कल हो ना हो का गाना, झूम उठे विदेश मंत्री जयशंकर, नेत्रहीन भारतीय यहूदी लड़की ने बांधा समा।